ऐसी कौन सी निजी टिप्पणी है? अगर लीगल नोटिस भेजा जाता है तो उसका प्रमाण, उसका साक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो लीगली तौर पर मजबूत हो, और बेवजह का वही बड़बोलेपन में अगर कोई भी जनप्रतिनिधियों को लीगल नोटिस भेजता है तो उसका जवाब उसी तरीके से दिया भी जाता है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, बिहार की और देश की राजनीति तो चुनाव से पहले गर्म है ही, मगर उससे पहले हम बात करेंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था की, जो कि हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। मगर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जब से बागडोर संभाला है, कहीं ना कहीं कई बदलाव हुए हैं, और वो बदलाव जो हैं उसकी सभी लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं जो आलोचनाएं भी कर रहे हैं, क्योंकि के पाठक जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं वो उन्हें सही नहीं लग रहा है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। के पाठक जी के काम को लेकर के तो बातें होती ही रहती है, मगर अब ये लीगल नोटिस भी भेजा गया है, कांग्रेस की विधायिका हैं प्रतिमा दास जी, क्या आपको लगता है ये सही है? देखिए, लीगल नोटिस कोई अगर किसी को भेजा है तो ये क्या है पूरा मामला, क्यों भेजा गया है, इसकी विस्तृत जानकारी हमें है नहीं। लीगल नोटिस वो जनप्रतिनिधि है, और अगर कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कोई अगर किसी के कार्यों पर सवाल खड़े होते हैं तो सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, सवाल करने का जनप्रतिनिधियों को अधिकार है। अब ये क्यों भेजा गया है, किन कारणों से भेजा गया है, किन बातों को लेकर भेजा गया है, इसकी जानकारी, निजी टिप्पणी को लेकर के भेजा गया है भाई, निजी टिप्पणी क्या है ये, ऐसी कौन सी निजी टिप्पणी है? अगर लीगल नोटिस भेजा जाता है तो उसका प्रमाण, उसका साक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो लीगली तौर पर मजबूत हो, और बेवजह का वही बड़बोलेपन में अगर कोई भी जनप्रतिनिधियों को लीगल नोटिस भेजता है तो उसका जवाब उसी तरीके से दिया भी जाता है। अच्छा, अब मृत्युंजय तिवारी जी, अब राजनीति की बात कर लेते हैं, जो कुछ चल रहा है। देखिए, केसी त्यागी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि भाई कन्वेनर से अब बात नहीं बनने वाली है, पीएम उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार को आगे करना चाहिए। जब आप कहते हैं कि अनुभवी हैं, सबसे वरिष्ठ हैं और उस योग्य हैं, देखिए तो ये मांग करने में बुराई क्या है? ये तो एक बिहारी होने के नाते हम लोग भी चाहते ही हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो इंडिया गठबंधन में, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा है? इंडिया गठबंधन के घटक दल डरे हुए हैं नीतीश कुमार को आगे करने, कहीं कोई डरने का कहीं कोई इसमें पेच नहीं है। दरअसल आप ये जान लीजिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर, कई बार आप लोगों से भी कहा है कि वो किसी पद के उम्मीदवार नहीं है। खैर, सीट शेयरिंग का जो मसला है वो अभी तक अटका पड़ा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।